उत्तराखंड विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी और जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के खंडपीठ ने, डबल बेंच ने लिया था, उसके खिलाफ कुछ लोग आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। यहां पर एक विशेष याचिका एसएलपी लगाई गई थी और यहां पर जो डबल बेंच था उन्होंने उस पिटीशन को खारिज किया है। जब पिटीशन डिसमिस हुई उसके बाद जो पिटीशनर्स थे उनके वकील ने ये बात कही कि वो उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं जिसकी परमिशन डबल बेंच ने उन्हें दी। इस निर्णय के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूं। ये सभी उत्तराखंड के युवाओं की जीत है, उत्तराखंड के लोगों की जीत है। मैंने पहले भी कहा था कि कठोर निर्णय है, पर मैं कठोर निर्णय से लेने से पीछे नहीं हटूंगी। सुप्रीम कोर्ट भी अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। जो रिपोर्ट कोटिया कमेटी ने दी थी वो सही थी और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने जो एक अध्यक्ष के तौर पे, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पे जो मैंने निर्णय लिया था उसको उन्होंने सही माना है। मैं उनको धन्यवाद करती हूं।